अनुपमा स्टार रूपाली गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन में हैं। क्वारंटीन के दूसरे दिन उन्होंने अपने परिवार और होम स्टाफ का कोरोना टेस्ट शेयर करते हुए सभी को धन्यवाद कहा है। दरअसल रूपाली के घर वाले और होम स्टाफ कोरोना निगेटिव हैं, जिस वजह से रूपाली खुश हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है। रूपाली ने अपने दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, शेरावाली माता तेरी सदा ही जय, जय महाकाल, ब्रह्मांड को आभार। फैमिली और होम स्टाफ कोरोना निगेटिव है, आप सभी की प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इसी के साथ एक्ट्रेस ने अपने क्वारंटीन के दूसरे दिन सकारात्मक सोच भी शेयर की। वे लिखती हैं, क्वारंटीन डे टू, सकारात्मक सोच। आज कई दिनों बाद धूप और ताजी हवा में बाल सुखाए, हेयर ड्रायर से जल्दी जल्दी बाल खराब करके नहीं। उनकी फोटोज में भी उनकी इस सकारात्मक सोच को देखा जा सकता है। उन्होंने दो फोटो शेयर की, जिसमें एक तस्वीर में टॉवल से अपना सिर बांधे नजर आ रही है, वहीं दूसरे में खुले बाल में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि रूपाली क्वारंटीन में है और परिवार से दूरी बनाए रखी है। बता दें कि अनुपमा के सेट पर रूपाली के अलावा उनके को स्टार सुधांशु पांडे को भी कोरोना होने की चर्चा है। एक्टर ने अपने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उनके जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं भेजी गई है। सुधांशु अनुपमा में रूपाली के पति वनराज का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों एक्टर से पहले आशीष मेहरोत्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आशीष के बाद शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने ऑफिशियल बयान जारी कर बताया कि उन्हें भी कोविड-19 संक्रमण हो गया है।